50 साल। एक बार एक राजा ने अपने मंत्री से कहा, मुझे इन चारों प्रश्नों के जवाब दो, जो यहाँ हो वहाँ नहीं, दूसरा वहाँ हो यहाँ नहीं, तीसरा जो यहाँ भी नहीं और वहाँ भी नहीं, चौथा जो यहाँ भी है और वहाँ भी। मंत्री ने उत्तर देने के लिए 2 दिन का समय मांगा। 2 दिनों के बाद वह 4 व्यक्तियों को लेकर राज दरबार में हाजिर हुआ और बोला, राजन, हमारे धर्म ग्रंथों में अच्छे बुरे कर्मों और उनके फलों के अनुसार स्वर्ग और नरक की अवधारणा प्रस्तुत की गई है। यह पहला व्यक्ति भ्रष्टाचारी है। यह गलत कार्य करके यद्यपि यहाँ तो सुखी और संपन्न दिखाई देता है, पर इसकी जगह वहाँ यानी स्वर्ग में नहीं होगी। दूसरा व्यक्ति सद्भ्रष्ट है। यह यहाँ ईमानदारी से रहते हुए कष्ट जरूर भोग रहा है, पर इसकी जगह वहाँ जरूर होगी। तीसरा व्यक्ति भिखारी है। यह पराश्रित है। यह ना तो यहाँ सुखी है और ना वहाँ सुखी रहेगा। यह चौथा व्यक्ति एक दानवीर सेठ है, जो अपने धन का सदुपयोग करते हुए दूसरों की भलाई भी कर रहा है और सुखी संपन्न है। अपने उदार व्यवहार के कारण ये यहाँ भी सुखी है और अच्छे कर्म करने से इसका स्थान वहाँ भी सुरक्षित है।